हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे छोले भटूरे, वो भी बिना लहसुन और प्याज का यूज करे हुए। तो आइए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं छोले भटूरे बनाना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं निकुंज आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एनजी फूड में। ये मैंने काबुली चने लिए हैं, 1.5 कप काबुली चने हैं और इन्हें मैंने 6 घंटे भिगो के रखा है। इसके साथ में 4 टमाटर की फ्रेश प्यूरी है, थोड़ा सा धनिया है, 1 टुकड़ा अदरक का है और 3 हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके पहले से ही तैयार रखी है। मैंने यहाँ पर मसलिन क्लॉथ में 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची या काली इलायची बोलते हैं इसे हम, 3 हरी इलायची, 4 टुकड़े सूखे आमले के लिए। इस आमले से एक तो हमारा कलर बहुत अच्छा आएगा छोले का और छोलों में खट्टापन भी आएगा। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 5 से 6 काली मिर्च और 1 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे चाय की पत्ती। अब हम इसकी पोटली बना लेंगे और जब छोलों को उबालेंगे उसमें कुकर में इसे साथ में डाल देंगे। मैंने इस कुकर में जो छोले भिगोए हुए थे वो डाल दिए। अब हम इसमें पोटली डाल देंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसमें थोड़ा सा नमक डालें। अब इसमें हम पानी भरेंगे। पानी हमें जितना छोला है उससे ऑलमोस्ट डबल पानी लेना है इन्हें बॉईल करने के लिए। पहली सीटी जो है वो हाई फ्लेम पर, उसके बाद मीडियम फ्लेम करेंगे और उसको 3-4 सीटी और ले लेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। अब जब तक ये हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं तब तक हम भटूरे के लिए आटा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिए, 2 चम्मच सूजी डालेंगे, इससे हमारे भटूरे बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसमें 2 चम्मच अब हम दही डालेंगे और दही डाल के इसे हमें बहुत सॉफ्ट अपना भटूरे का डो तैयार कर लेंगे। तैयार होने के बाद इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, सो डेट वो सेट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर भटूरे तैयार करेंगे। थोड़ा सा आटे हाथ में अपने ऑयल लेके हम इसको डो पे लगा के इसे ढक के रख देंगे। तब तक हम अपना छोले का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब ऑयल जैसे हमारा गर्म हो जाता है थोड़ा सा, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा और साथ में डलेगा इसके अजवाइन। थोड़ा सा भून लेंगे इसको। अब हमने डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब
दो चम्मच धनिया पाउडर, सबसे मेन जरूरी चीज छोले मसाला। मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच छोले मसाला डाला है, आप चाहें तो 2 भी यूज कर सकते हैं। बाकी सारे मसाले हमने छोले बॉईल करते में पहले ही डाल दिए थे पोटली में, तो वो मसाले हम नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। चॉप्ड हरी मिर्च, ग्रेटेड अदरक, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को भूनने के बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी जो हमने फ्रेश ने भी बनाई है वो हम डालेंगे। अब हम इस मसाले को कुछ देर भूनेंगे जब तक टमाटर से ऑयल अपने आप अलग नहीं हो जाता। तब तक मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ छोले बनाने का। हमारे छोले जो बॉईल हो चुके हैं उसमें से हम थोड़े से छोले लेकर हम एक मिक्सी जार में उसे ब्लेंड कर देंगे। उससे होगा क्या दोस्तों, जिनको शिकायत आती है छोले पतले हो गए या गाढ़े नहीं हो पा रहे, या गाढ़े हो गए पतले नहीं हो पा रहे, तो पतले तो हम कर सकते हैं पानी डाल के ऑफकोर्स, लेकिन गाढ़े करने का एक बहुत अच्छा है तरीका, हम इसमें कोई प्याज वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से छोले को मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेंगे। उससे क्या है, वो थिक ग्रेवी का एक इनपुट डालेंगे हमारे छोलों में। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़े से छोले लेके उनको ब्लेंड करता हूँ। ये मैंने छोलों का पानी भी इसमें अलग कर लिया है, आगे अगर हमें छोले पतले करने पड़ते हैं तो हम इसी पानी को यूज़ करेंगे, इसमें पूरा फ्लेवर भी है। जब तक मैं आप छोलों को ब्लेंड कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये पूरे पिस चुके हैं। हमारे मसाले भी भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और उसके बाद जो हमने तैयार किए थे अपने छोलों को जिनको ब्लेंड किया है वो छोले डालेंगे। उसके बाद जो बॉइल्ड छोले हैं, साबुत छोले हैं, उनको डाल के हम अपने छोले तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये स्टेज है हमारी जहाँ पे हम अपने छोलों को गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। कुछ लोग गाढ़ा खाते हैं, कुछ लोग सेमी गाढ़ा, कुछ लोग बिल्कुल पतले लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। अभी मैं यहाँ पे जो पानी मैंने कहा था आपसे कि इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, उसी पानी को डाल के इसको थोड़ा पतला कर दूँगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें हमने कोई भी खटाई, इमली का पानी या इमली का रस कुछ भी नहीं डाला है कोई भी खट्टा करने के लिए। अगर आप वो चाहें तो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब किसी को कोई इमली का पानी यूज़ करता है, कोई खटाई यूज़ करता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2/3 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा काला नमक।
जो कि इसमें बहुत जरूरी है। अब हम डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती डाल सकते हैं, और ये हमारे छोले लगभग तैयार हैं। तो दोस्तों छोले अब तैयार हो चुके हैं, आइए भटूरे बना लेते हैं और फिर खाएंगे गर्मा गर्म छोले भटूरे। हमारे घर में एक्चुअली मेरी मदर अनियन गार्लिक नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने ये विदाउट अनियन गार्लिक बनाया है, लेकिन कुछ लोग खाते भी हैं, तो आप उसमें प्याज को अलग से काट के अपने खाने में यूज कर सकते हैं, तो वो पूरा फ्लेवर भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भटूरा कितना अच्छा फूल के सिककर आया है। दोस्तों बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और नीचे दिए हुए लाल बटन को जरूर प्रेस करें सो दैट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे बताइएगा आपको कौन कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। थैंक यू।